ये जो जुड़वा ईटीएफ है आज दोनों के दोनों 2 से 2.5% तक के डाउन है। ये जो जुड़वा भाई बहन है सिल्वर 20 और गोल्ड 20, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर, बहुत से व्यूवर्स इन दोनों 20 के अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं। टॉप पर बाय कर लिए थे, कई जो है यूट्यूबर्स ने बताया आप 100 के पार, और अब ये 1.5 लाख जाएगी। कई लोगों ने टॉप पर बाइंग कर लिए हैं और इस वक्त जो है 3%, 5%, 7%, 10% तक के लॉस में भी कई लोग सिल्वर 20 और गोल्ड 20 के अंदर बैठे हुए हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में भी ये है और अगर आप लॉस में हैं तो नीचे जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मेरा इतना परसेंट लॉस है, और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप बता सकते हैं कि सर मैं प्रॉफिट में बैठा हूं, मैं लॉस में नहीं हूं, ताकि हमारे सब्सक्राइबर उससे देख सके, सीख सके, समझ सके कि कितने लोग प्रॉफिट और कितने लोग लॉस में बैठे हुए हैं। तो काम इसके अंदर कैसे करना है, क्या अब गोल्ड 20 और सिल्वर 20 वापस पलट कर दोबारा नहीं आएगी, सालों लगाएगी, कितना दिन लग सकता है वापस ये करेक्शन कंप्लीट होकर ऊपर आने में। इस वक्त अगर आप देखें तो 2.5% के आसपास गोल्ड 20 और 2% के आसपास सिल्वर 20 दोनों भी नीचे गिरे हुए हैं। और कंसिस्टेंट अगर सिल्वर की चाल आप देखें तो आप देखेंगे कोई बच्चा जो फुदकता हुआ उड़ता हुआ भागता है, बिल्कुल उसी तरीके से फुदकते नीचे की तरफ खसक गई है और बिल्कुल भी निकलने का किसी को मौका नहीं दी है। जो लोग ये सोच रहे थे इस बार 100 के पार, तो ये 100 के पार नहीं बल्कि 90 के नीचे आ गई है। इस वक्त इसका करंट मार्केट प्राइस 86 के आसपास है। तो आज हम सब कुछ देखने वाले हैं, समझने वाले हैं दोनों जुड़वा भाई बहनों के बारे में, सिल्वर 20 और गोल्ड 20 के बारे में। अगर आपने अभी तक के चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके और आप उससे बेनिफिट उठा सके दोस्तों। और हमारा फ्री टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप क्लिक करिए तो हमारा फ्री टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है वहाँ आप जुड़ पाएंगे और कंटिन्यूस आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बिना 1 रुपया पे किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिल्वर 20 का चार्ट आपके सामने आ रहा होगा, डेली का चार्ट बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इतना तेजी से नीचे जा रहा है। बट इस वक्त अगर आप प्राइस देखें तो 85-86 चल रहा था, एक वक्त था जस्ट अभी 3-4 हफ्ता पहले 95 को क्रॉस करा था, तूफानी तेजी थी, लोग बुलिश थे, बोल रहे सर ये नीचे आएगा नहीं, लेकिन इस वक्त ये नीचे है। अब क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली बात इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 5076 करोड़ के आसपास का है, एक्सपेंस रेशियो 0.56% के आसपास का है, और 52 वीक लो हाई देखें तो ये 67 से लेके 100 के आसपास के बीच में रेंज बाउंड रहा है पूरा साल, और इस वक्त भी 28-29% सालाना प्रॉफिट ये दे रहा है। इंडिया निप्पॉन सिल्वर ETF नाम से आपको ये मिलेगा, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है अगर आपको सर्च करना है सिल्वर 20। जी हाँ दोस्तों, हमेशा मैं बताता रहता हूँ कि ETF का मतलब है गुच्छा, 20 जिस तरह छत्ता होता है मधुमक्खी का उस तरीके से गुच्छा बनाया जाता है, उसी से इसका नाम लिया गया है सिल्वर 20। तो कई लोग जो है बहुत तेजी में थे, वो इस वक्त जो है घबरा गए हैं कि कहाँ तक ये जाएगा, किस जगह पे जाएगा, तो हम देखेंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अगर आप यहाँ पर देखें तो नीचे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है 79.80 के आसपास, अगर वो ब्रेक होता है तो ये पहुँचेगा 73-76 के आसपास। तो अगर आपको काम करना है इसके अंदर, कैसे काम करना है मैं आगे आपको बताऊंगा। अब चलते हैं, हम देखते हैं गोल्ड 20, क्योंकि गोल्ड 20 में काफ़ी लोग काम करते हैं, काफ़ी लोग इसके अंदर भी जो है अटक गए हैं, तकलीफ में आ गए हैं। इस वक्त प्राइस 63 के आसपास गोल्ड 20 का चल रहा है, आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत ही डरावना चार्ट है। बहुत लोग बोल रहे थे ये इस बार तो निकल जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, आपके सामने चार्ट है। देखिए कोई चीज़ ज़िंदगी में, एक चीज़ नियम याद रखिए, हमेशा संतुलित रहिए, यानी संतुलन में रहिए, कभी भी बहुत ज़्यादा यूफोरिक मत होइए, कभी भी बहुत ज़्यादा पैनिक मत करिए, कभी भी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव मत होइए, कभी बहुत ज़्यादा फियरफुल मत होइए। अब आज की कंडीशन में लोगों को डर लग रहा होगा, जिनके पास छोटी सी पूंजी है वो आए होंगे और ऊपर के लेवल पे ले लिया है, क्योंकि भय जो है उनके अंदर पैदा हो रहा होगा। तो भय जो है उससे आपको बचना है,
उससे बचने का क्या तरीका है मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि आपके अंदर जो डर पैदा होता है उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज इसको मैनेज करता है, गोल्ड बीज नाम से आपको मिल जाएगा 26.55% के आसपास का बेहतरीन रिटर्न इस ETF ने बना के दिया है एक साल में। 63 के आसपास का इस वक्त प्राइस इसका चल रहा है, 15,247 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। सिल्वर बीज का कितना है 5,000 करोड़ के आसपास का, इसका कितना है 15,000 करोड़ के आसपास का है। आप समझ रहे हो बात को। हालांकि अगर ETF के अंदर काम करना है कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सबसे बढ़िया अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी सीख कर काम करो तो सिल्वर बीज आपको राजा बनाने की ताकत रहता है। और जब आप एक बार राजा बन जाओगे तो जितना चाहिए उतना सोना खरीदो, राजाओं के पास सोने बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेटजी सीखना है तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता चलूं, दिसंबर का जो हमारा ETF ट्रेडिंग का जो बैच है वो कंटिन्यू फुल हो रहा है, लोग इनरोल कर रहे हैं, आप भी इनरोल कर लो। 3,000 का जो प्रोग्राम है आपको ऑफर प्राइस में 2,000 रुपये के अंदर मिलेगा, तुरंत इनरोल कर लो, इंक्वायरी करो। अगर ETF की प्रॉपर स्ट्रेटजी सीख के रिस्क और कैश को मैनेज करना है और एक बेहतरीन रिटर्न बनाने का है तो आपको तुरंत इसको इनरोल कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है गोल्ड भी इसका 15,247 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो सिल्वर से थोड़ा ज़्यादा है, 0.79% के आसपास का इसका जो है एक्सपेंस रेशियो इस वक्त दिखाई दे रहा है, ठीक है। और साल भर में 50 रुपये से लेके 67 के आसपास ये रेंज बाउंड भागा है, ऊपर नीचे इसने किया है। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर ठीक है बहुत सारी थ्योरी अपने फंडामेंटल सब समझाया, काम कैसे करें, अभी इस वक्त हम जो है अटक गए, हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखो, मार्केट के अंदर अगर आप आए हो तो हमेशा मार्केट कितना भी बुलिश हो कितना भी बियरिश हो, अपने अंदर जो दिल के अंदर जो फियर होता है ना उसको हमेशा कंट्रोल में रखो, और दिमाग के अंदर जो खुमार होता है ना, इम्पल्सिवनेस होता है कि अभी बाय कर लो अभी बाय कर लो, इसे कहते हैं हम लोग फोमो। तो फोमो जो होता है ना उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब लोग फोमो में बाय कर रहे थे, मेरे स्टूडेंट्स को मैंने कहा था जस्ट सेल द सिल्वर बीज, ठीक है, जस्ट सेल द सिल्वर बीज, मैंने भी निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था ये वक्त ऐसा आ रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, थोड़ा सा वीडियो 2 मिनट लंबा होगा लेकिन बहुत मज़ा आएगा। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मज़ा आया कि नहीं इस स्टोरी में, ठीक है। एक बिल्डिंग है जो कि 25 से 30 साल पुरानी हो गई है, एक आदमी है जो उस पर फ्लैट है उसको बेचना चाह रहा है, कंटिन्यूस प्रयास कर रहा है, उसने लिया था मान लो 5 लाख में उसको, और इस वक्त उसकी वैल्यू 50 लाख हो गई है, लेकिन जब वो पुरानी बिल्डिंग को बेच रहा है तो उसे 40 लाख रुपये ही मिल रहा है, ठीक है। अब अचानक से बिल्डिंग की सोसाइटी की मीटिंग होती है और ये तय किया जाता है कि चारों तरफ से कैमराज लगा देंगे हम, और साथ ही साथ जो है बिल्डिंग के स्टेयर्स को जो है थोड़ा सा रीडेवलप कर लेंगे, सीढ़ियों पे कलर मार देंगे और साफ सफाई कर देंगे, बिल्डिंग को थोड़ा कलर मार देंगे, और उसमें कुछ खर्चे निकलते हैं जो सब पे आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हम कंसिडर करते हैं कि 50,000 रुपया हर एक घर के ऊपर आता है, हर एक फ्लैट के ऊपर आता है। स्टोरी बहुत लोगों से कोरिलेट करेगी, तो आपके साथ अगर ऐसा हुआ है या आपको लग रहा है स्टोरी बेहतर है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो ठीक है, अब ये रिपेयर हो जाता सब हो जाता है, 3-4 महीने में सारी चीज़ होती है, बिल्डिंग एकदम टकाटक लगने लगती है, चारों तरफ से कैमरे लग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। अब यहाँ पे 50 लाख का रेट आना चालू हो जाता है, ठीक है। अब ये जो सेलर था जिसको सेल करना था वो सोचता है कि यार बिल्डिंग तो अब अच्छी हो गई है, काम करता हूँ नहीं सेल करता हूँ। तो आप कितने लोग हो जो इस स्टोरी को सुनने के बाद ये कहोगे कि जो सेलर था जिसे 40 लाख ही रेट आ रहा था अब 50 लाख आ रहा है उसे बेच देना चाहिए, और कितने लोग ऐसे हो कि उसे नहीं बेचना चाहिए, कमेंट करके मुझे आंसर करिएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी हुई है जो मैंने सिल्वर बीज के बारे में बताया। सिल्वर बीज की जब फिनिशिंग हुई, जब उसके अंदर घिसाई हुई, वो चमकने लगा और ऊपर की तरफ आ गया, पूरी दुनिया की नज़रों में जब वो आया तो मैंने उसको बेच दिया, और फाइनली आज हमारे सारे स्टूडेंट्स को 86 पे वो मिल रहा है। उन्हें पता है कि किस तरीके से काम करना है, मैंने जो उन्हें सिखा रखा है उस तरीके से वो प्रॉपर काम करेंगे, रिस्क को प्रॉपर मैनेज करेंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप सिल्वर बीज और गोल्ड बीज के अंदर काम करना चाह रहे हो तो छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करो, छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर सेल करो,
कंसिस्टेंट जो है आप प्रॉफिट बनाने का प्रयास करते रहो। कभी भी पूरा कैपिटल एक साथ आप लेके नहीं जाना, बल्कि धीरे धीरे बाय करो, स्टेगर्ड वे में बाय करो। इसका जो मैक्सिमम सपोर्ट है वहाँ तक बाय करने का आपके पास पैसा बचा रहना चाहिए। दूसरी चीज़, वहाँ तक जब आप जाओगे, मान लो डीप कट होता है, सिल्वर बीस जो है आ जाता है 70 रुपये तक, जिसकी संभावना बहुत कम है लेकिन आ जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है, अपने जो है एडवाइज़र से राय मशवरा लेके बाय सेल करना। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपना व्यू दे रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो 70 तक आ जाता है तो भी आपके पास पैसा रहना चाहिए, और 70 के पास आने के बाद ये 6 महीना रुक जाता है तो आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। जो इस मार्केट के अंदर सबसे कीमती चीज़ है, क्या? पेशेंस, सब्र, किसी के पास नहीं होता है। बहुत महंगा है, इसको डेवलप करने के लिए सालों की तपस्या लगती है। आप घर में, कहीं भी, गैलरी में, पहाड़ पे, हिमालय पे जाके तपस्या करो और अपने अंदर सब्र को पैदा करो। सब्र अगर एक बार पैदा हो गया तो पैसे से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि जब आप 70 पे बाय करोगे सिल्वर बीस को तो यहाँ पे बहुत दिन तक ये रुकने की भी संभावना है। तो इसी वजह से जब भी काम करो सिल्वर या गोल्ड के अंदर, ये एक तरह की कमोडिटीज़ है, तो कमोडिटी के अंदर कई बार उछल कूद बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि इनकी चार्ट से जाहिर होता है। तो आपको काम किस तरीके से करना है, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करना है और छोटी छोटी क्वांटिटी में सेल करना है। प्रॉपर स्ट्रेटजी सीखना है तो आप जो है ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम जो है ले सकते हैं, और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है तो 24 तारीख को हमारा लाइव प्रोग्राम जूम पर होने वाला है, तुरंत इनरोल कर लो। बहुत ही लिमिटेड सीट बची हुई है स्विंग ट्रेडिंग के आज इनरोल करो और अगले बैच का, नवंबर 24 तारीख के बैच का हिस्सा आप बनो और कंटिन्यू सीखो कि स्टॉक्स के अंदर काम कैसे करना है। ETF में काम करना है तो ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम आप सीख सकते हो। तो इतना कॉस्ट जो मैंने रखा है, मात्र 2000 रुपीज़, पूरे इंडिया में आपको इस कॉस्ट में कोई भी ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा है, 3 महीने की फ्री मेंटरशिप के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, अगर अच्छा लगा लाइक करिए, 3 दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को टारगेट दिया है कि आप बहुत जल्द इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाओगे, और मैंने आपसे वादा किया कि मैं आप लोगों के लिए बड़ा पैनल बोर्ड लाकर फिर उस पे सिखाऊंगा। चलिए, और टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप तुरंत ज्वाइन कर लो।